बंगाल में दुर्गा पूजा पर रोक। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये भला कैसे हो सकता है, लेकिन ये हुआ है। पश्चिम बंगाल में 55 साल पुरानी दुर्गा पूजा पर ममता बनर्जी ने रोक लगाने का आदेश दिया है। वजह है दुर्गा प्रतिमा की ऊंचाई। बंगाल में अलग अलग तरह की दुर्गा प्रतिमाएं बनती हैं। नदिया जिले में 112 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जानी थी, लेकिन ये बात ममता बनर्जी को पसंद नहीं आई और अब तो पंडाल के बाहर ही पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। यही ममता बनर्जी ने ताजिया की ऊंचाई कभी कम नहीं होने दी, अब दुर्गा पूजा की प्रतिमा बढ़ने में भी ये प्रतिमा तक नहीं बढ़ने दे रही। दुर्गा पूजा में अब गिनती के दिन बचे हैं, लेकिन इस दुर्गा पूजा पंडाल में लोग परेशान बैठे हुए हैं। यहाँ कोई काम नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, पूजा पंडाल के बाहर पुलिस का पहरा भी है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कमालपुर गांव के लोग उत्साह के साथ दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इनके उत्साह पर पानी फेर दिया। नदिया जिले का अभियान दुर्गा पूजा संघ इस बार रिकॉर्ड 112 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा बनाने की कोशिश में था, लेकिन ममता सरकार ने पंडाल में प्रतिमा निर्माण करने पर रोक लगा दी, जिसके बाद पंडाल में प्रतिमा बनाने का काम अधूरा पड़ा हुआ है। नदिया जिले के कमालपुर के अभियान संघ का पूजा इस बार 55 साल पर आ पहुंचा। इस बार इनका थीम ही था कि 112 फीट का दुर्गा मूर्ति बनाना। आप देख सकते हैं कि फाइबर का ये मूर्ति लगभग तैयार हो चुका है। पिछले करीब 6 महीने से ये जो पूजा, दुर्गा पूजा का जो प्रस्तुति है, ये पिछले 6 महीने से चल रहा है। और ये पूरा इलाका करीब 42 लाख स्क्वायर फीट का इलाका है जहाँ पर ये दुर्गा मंडप इस बार बन रहा है। अलग से कोई मंडप नहीं बन रहा था। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर के सामने ये मूर्ति बैठाना था। 55 साल पुराने संघ में अब दुर्गा पूजा पर संकट मंडरा रहा है। पुलिस लगातार इस पंडाल के बाहर पहरा दे रही है। दरअसल दुर्गा पूजा संघ की कोशिश थी कि 112 फीट ऊंची प्रतिमा बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो, जबकि ममता बनर्जी की दलील थी कि 112 फीट ऊंची प्रतिमा देखने आने वालों के कारण भगदड़ मच सकती है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। कल हम लोग काम कर रहे इधर, अचानक पुलिस आया, बोले काम बंद करो। कोई नोटिस अभी तक देखा ही नहीं। हम लोग करीब 10 आर्टिस्ट है, काम बंद करके यहाँ पर बैठे रहे। लोग इस बात से परेशान हैं कि ममता राज में पहले दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी, अब 55 साल पुरानी पूजा कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जुलाई में ही ममता बनर्जी ने अखबार में 112 फीट ऊंची मूर्ति बनाने की खबर देखकर ही उस पर अपनी आपत्ति जता दी थी। ममता बनर्जी के इसी एतराज को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से प्रतिमा बनाने का काम रुकवा दिया है। रानाघाट उत्तर पूर्व के विधायक अशिम विश्वास का आरोप है कि ये इलाका हिंदुओं का है, यहाँ अगर शांति से दुर्गा पूजा होगी तो ममता बनर्जी को डर है कि कहीं इस इलाके में बीजेपी मजबूत न हो जाए। वैसे नदिया में एक बड़ी आबादी मुस्लिमों की भी है। नदिया जिले में 72% हिंदू है तो करीब 27% मुसलमान। फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे, जो आदमी था हिंदू एरिया, ये एरिया हिंदू भी सबसे बेसी हिंदू था, लेकिन आसपास दुआ गांव में मुस्लिम था। तो मुस्लिम लोग डाउट आए जो कॉम्प्लेन कर रहा है। अब नदिया जिले के कमालपुर गांव के लोग इस बात से परेशान हैं कि क्या 55 साल से चली आ रही दुर्गा पूजा इस बार नहीं हो पाएगी। जिस तरह 2015 में देशप्रिय पार्क, कोलकाता के देशप्रिय पार्क में एक बड़ा दुर्गा मूर्ति बना था, करीब 100 फीट का दुर्गा मूर्ति था, उसे देखने के लिए एक भयंकर भीड़ अचानक से उमड़ पड़ी और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी खराब स्थिति में जा रहा था। उसी को मद्देनजर ही प्रशासन ने इस पूरे मामले में एक कड़ाई से वो लोग कदम उठा रहे हैं, लेकिन अचानक से दुर्गा पूजा की प्रस्तुति को बंद कर देना बहुत सारे सवालों को सामने ला रहा है। कैमरामैन फेलिक्स के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, नदिया। जी न्यूज़।